पर एक पल बाद में अशोक ठाकुर कुछ याद आया। नहीं रुको, पहले मुझे महाराज अजय के पास में जाना होगा ताकि वही मेरी प्रिंसिपल नितिन से बात करवाने में मदद कर सकते हैं। क्या पता तुम वहाँ पर जाओ और तुम्हें वो वहाँ से बाहर ही भगा दे, क्योंकि तुम वहाँ पर केवल छोटे से काम के लिए माफी मांगने के लिए जा रहे हो। और इस प्रकार अशोक ठाकुर महाराज अजय के पास में पहुंचे उनसे कुछ मदद मांगने के लिए। और ऐसा ही सेम दृश्य चंदेला परिवार के अंदर भी चल रहा था। राजीव चंदेला को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। पहले तो उसकी पिटाई मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर हो गई थी, लेकिन जब वह यहाँ पर नितिन के बारे में शिकायत लेकर आया तो उसकी हालत यहाँ पर भी बहुत बुरी हो गई थी। आर्यन चंदेला ने राजीव चंदेला को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब तो उसको कोई पहचान भी नहीं सकता था। राजीव चंदेला ने तो यहाँ तक उसके घावों पर मरहम लगाने के लिए भी मना कर दिया था, जिसके कारण उसके घावों पर इन्फेक्शन होने लगा था और उन घावों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और आज के दिन हॉल के अंदर राजा जोहर अभी भी उसी मामले के बारे में सोच रहे थे कि किस प्रकार राजीव चंदेला और प्रभाव ठाकुर ने नितिन के ऊपर हमला किया था। राजा जोहर और महाराज अजय दोनों की आंखों के अंदर एक अलग ही चमक थी जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल नितिन का तो कुछ और ही व्यवहार है। जब उन्होंने सुना था कि आर्यन चंदेला और अशोक ठाकुर ने अपने बेटों को बहुत बुरी तरह से मारा है तो उन्हें तो यही लगा था कि प्रिंसिपल नितिन को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अभी उनका तो कुछ और ही इरादा था। लेकिन कुछ देर बाद में प्रभव ठाकुर आगे बढ़ा और अपना सिर नीचे करते हुए कांपती हुई आवाज से कहा, मैं अपनी सारी गलतियों को अपने सर पर लेता हूँ। मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, बस आप मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी ना करें। इसमें जितनी भी गलती थी मेरी थी, इसीलिए जितनी भी सजा मिलनी चाहिए मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं ही था जिसने उन सभी आदमियों को इकट्ठा किया था आपको सबक सिखाने के लिए, और मेरे पिता मेरे कार्यों से पूरी तरह से बेखबर थे। राजीव चंदेला ने भी आगे बढ़ते हुए नितिन से माफी मांगी। और वहीं दूसरी तरफ इन सभी शब्दों को सुनने के बाद में नितिन का चेहरा देखने लायक था। वह एक गहरी सोच के अंदर डूब गया और उसने उन सभी मामलों को सुनने के बाद में एक पूरा अनुमान लगाया। क्या आप सभी पागल हो? अगर आप लोगों को मेरे को मारना होता तो आपको मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर घूमने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पता नहीं था कि मैं इस मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बनने वाला हूँ तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर मेरा नाम हर जगह चलता है और तुम हर कहीं पर सभी से पूछ रहे हो नितिन कहाँ पर है, नितिन कहाँ पर है। तो फिर वो तो तुम्हें मारेंगे ही ना, वो तो तुम शुक्र मनाओ वीपी क्लब में तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना वो तुम्हें मार देते तो तुम्हारे साथ में कितना बुरा होता। भले ही प्रभव ठाकुर और राजीव चंदेला ने नितिन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सुना था, लेकिन वह अपने कुकर्मों का फल पहले ही भुगत चुके थे, क्योंकि नितिन को उस लड़ाई के अंदर कोई भी चोट नहीं आई थी। तो इसीलिए पहले तो नितिन ठाकुर परिवार और चंदेला परिवार द्वारा लाए गए उपहारों को स्वीकार नहीं करने वाला था, लेकिन वह एक पल के लिए सोच में डूब गया, क्योंकि अब वह मास्टर टीचर एकेडमी का एक प्रिंसिपल था और इस सब के चलते हुए वह इन्हें आसानी से माफ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसे ही सभी की गलतियों को माफ करता फिरेगा तो मास्टर टीचर एकेडमी के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा, उनके सम्मान के ऊपर बात आ जाएगी। कोई भी फिर मास्टर टीचर से इतना नहीं घबराएगा, क्योंकि मास्टर टीचर्स को शांति भी बनाए रखनी होती थी। और इसके अलावा अगर वह उन्हें माफ भी नहीं करता तो फिर होंगवान साम्राज्य के अंदर उनका रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ठाकुर परिवार और चंदेला परिवार दोनों के दोनों व्यापारी परिवार थे और होंगवान साम्राज्य के अंदर इनकी बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन अगर होंगवान साम्राज्य के अंदर किसी को भी पता चलता कि इस परिवार द्वारा मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल को नाराज किया गया है तो वह सभी इनसे पूरी तरह से नाते तोड़ देंगे, जिसके कारण इन दो नालायकों की वजह से पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। और नितिन ऐसा नहीं करना चाहता था, और नितिन को वैसे भी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत थी। नितिन ने वह स्टोरेज रिंग उनसे ले ली और उसने उसके अंदर झांका तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स पड़े हुए थे और 500 से ज्यादा
हाई लेवल स्प्रिट स्टोन्स पड़े थे। नितिन को समझ आया, मानना पड़ेगा इनका बजट तो बहुत ही ज्यादा है। तभी तो ठाकुर खानदान के प्रभव ठाकुर ने हासना के जन्मदिन के अंदर मुझे ऐसे ही दो हाई लेवल स्प्रिट स्टोन्स दे दिए थे। फिर नितिन को अचानक से एक ख्याल आया, उसने सोचा मेरे पास इतने सारे क्लाउड मिस्ट के जानवरों द्वारा लाए गए उपहार पड़े हुए हैं और मुझे अभी हाई लेवल स्प्रिट स्टोन्स की भी जरूरत है, तो शायद मेरी मदद ये सभी कर सकते हैं। तो नितिन ने अशोक ठाकुर और आर्यन चंदेला से कहा, मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। जैसे ही नितिन ने ऐसा कुछ कहा, शब्दों को सुनने के बाद में अशोक ठाकुर और आर्यन चंदेला की आंखों में अलग सी चमक उभर आई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर उन्होंने ये मदद कर दी तो उसके बाद में प्रिंसिपल नितिन के साथ में उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ प्रिंसिपल नितिन, आप बोलिए जो भी आपको चाहिए, अगर हम उसको करने में सक्षम हुए तो आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ मुझे मदद तो चाहिए आपसे। आप सभी ने देखा था कि समारोह के अंदर मुझे क्लाउडमिस डिस्क के जानवरों द्वारा बहुत सारे उपहार दिए गए थे, लेकिन अब मेरे वो किसी काम के भी नहीं है, तो मुझे उनको बेचना है। और आप दोनों के परिवार व्यापार के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और होंगवान साम्राज्य के अंदर आपकी पहचान हर जगह पर फैली हुई है, तो क्या आप मेरी मदद उन सभी सामानों को बेचने में करोगे? हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि नितिन को भी पता था कि ठाकुर परिवार और चंदेला परिवार दोनों बहुत अच्छे व्यापारी थे और उनकी पहुंच होंगवान साम्राज्य के अंदर अंदर ही नहीं थी, उनकी पहुंच बाहर भी थी। अशोक ठाकुर ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रिंसिपल नितिन आप चिंता ना करें, हम आपके इन सभी सामानों को 2 महीनों में बेच देंगे। ये देखकर कि प्रिंसिपल नितिन ने उनको उनके सामान को बेचने के लिए हायर किया है, तो वह दोनों फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि ये तो उनके लिए भी एक फायदे का सौदा था। नितिन ने वह सारी मूल्यवान वस्तुएं उनको बिना सोचे समझे इसलिए दे दी क्योंकि वह मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल के साथ में धोखा करने की तो कभी भी नहीं सोच सकते। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेजर्स और जड़ी बूटियां देने वाला हूँ जिनकी मांग बहुत ज्यादा अधिक होगी, ये सारी चीजें किसी ना किसी को तो चाहिए ही होगी, और इसके बहुत सारे खरीदार आपको होंगवान साम्राज्य या अन्य किसी साम्राज्य के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है प्रिंसिपल नितिन, आप ये अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो गाइस एक और एपिसोड आज का खत्म, और गाइस आज आ गए कितने एपिसोड्स गिन लेना, ठीक है? मैंने गिना मजाक कर रहा था, ठीक है? आप लोग बताना कितने एपिसोड्स आ गए, मैं भी नहीं गिना वैसे भी, तो यार मजाक नहीं कर रहा सच्ची में, मेरे को नहीं पता कितने डाले मैंने। चलो ठीक है गाइस, तो फिर अब मिलते हैं कल, क्योंकि आज मैंने 3 चैप्टर्स रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय। और हाँ बता देना, वोट तो नहीं हुए ना।